Morning student, so let's continue our topic number system and number system में हम आपको जो previous questions रह गए थे वो last के questions है question number 15, 17 and 18 वो start करा रहे हैं. Okay, so now see question number is 15 part 2nd prove that this one and this is the exercise is 1G. ओके प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन. ओके सो अगेन हमें ये राइट करना पड़ेगा क्योंकि ना हम सीधे स्टार्टिंग से ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट कर रहे हैं. ओके नाउ प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन. सी दिस इज द एक्सपोनेंशियल पार्ट है आपके. तो एक्सपोनेंशियल में अगर हम कहें कि अगर पावर्स के अप साइड में पावर्स है. ओके सो नाउ क्या करती है मल्टीप्लाई 7 to 14 इजी है बट हेयर ए माइनस बी एंड ए माइनस सी. सो मल्टीप्लाई ए माइनस सी से भी करनी पड़ेगी बी की मल्टीप्लाई भी ए माइनस सी से करनी पड़ेगी तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी. मल्टीप्लाई तो करनी है तो नाउ सी कुछ ट्रिक्स हैं एक्सपोनेंट में अगर उन ट्रिक्स को अप्लाई करें तो उससे क्वेश्चन थोड़े ईजी हो जाते हैं. सी इफ हेयर इज ए साइकिल है बी एंड सी यू नो इट वेरी वेल ए बी सी डी ए बी सी. तो यही सीक्वेंस याद रखिए कि ए के जस्ट आफ्टर बी आना चाहिए बी के जस्ट आफ्टर सी आना चाहिए सी के जस्ट आफ्टर ए आना चाहिए. अगर यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा डिस्टर्ब होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे. ओके सी फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी है अगर यहाँ पर बी माइनस ए होगा तो हम इसको चेंज कर देंगे ए माइनस बी में. कैसे माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस ए प्लस का हो जाएगा एंड बी माइनस का हो जाएगा. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. क्लियर सी नाउ सो एक्स टू दी पावर सी ए माइनस बी एक ही बार सीक्वेंस में है तो चेंज नहीं करेंगे इसे हम. ओके हेयर इज ए माइनस सी ए माइनस सी बट क्या होना चाहिए सी माइनस ए. तो इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं माइनस कॉमन किया सो वैल्यू मिडिल में लिख दिया ना माइनस दिस इज सी माइनस ए. क्लियर नेक्स्ट इज एक्स टू दी पावर बी माइनस सी बी माइनस सी करेक्ट है देन नो चेंज बी माइनस ए बट होना चाहिए ए माइनस बी वन अपॉन ए माइनस बी किया एंड कॉमन क्या हो गया यस माइनस. ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट कॉमन इज एक्स टू दी पावर सी माइनस ए वन अपॉन सी माइनस ए इज करेक्ट एंड द होल पावर इज सी माइनस बी बट क्या होना चाहिए बी माइनस सी सो माइनस कॉमन वन अपॉन बी माइनस सी. सही इससे प्रॉफिट क्या होगा अब आपको इनकी इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके टफ हो जाता. सी सो मीन्स मल्टीप्लाई क्या कि ए की सी से बी की ए से ऐसे नहीं करनी पड़ेगी ऐसी ब्रैकेट में लिखे रहने देंगे पावर्स के ऊपर पावर्स है मल्टीप्लाई हो रही है एक्स टू दी पावर वन की वन से माइनस वन अपॉन ए माइनस बी एंड सी माइनस ए देख सकते हैं इनटू एक्स टू दी पावर माइनस में बी माइनस सी एंड ए माइनस बी इनटू एक्स टू दी पावर वन अपॉन सी माइनस ए इनटू b माइनस सी एंड दिस इज माइनस. क्लियर नाउ सो वैल्यू आ गई देन x x x मल्टीप्लाई केस है सी एंड सेम बेस है देखिए यस और नो है कि नहीं है तो पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं तो मल्टीप्लाई केस में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है. ओके तो नाउ थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सही से लिख लेते हैं एक्स टू दी पावर वन अपॉन सी माइनस ए
in power minus 1 upon b minus c. See. Now, तो मल्टीप्लाई केस में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर माइनस 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 सब में, इट मीन्स माइनस कॉमन कर लेते हैं, वन अपॉन a माइनस बी एंड बी सी माइनस ए प्लस वन अपॉन b माइनस सी एंड a माइनस बी प्लस वन अपॉन सी माइनस ए ब्रैकेट में बी माइनस सी. क्लियर? देखो आप मल्टीप्लाई करने से बच गए हो. ओके, अब हम इन सबका क्या लेंगे, एलसीएम. इसलिए वो सिखाया गया था सीक्वेंस. सो एलसीएम बहुत इजी एलसीएम आएगा आपका सीक्वेंस से. एक ही बात क्या आएगा, बी ए माइनस बी, बी देन आफ्टर सी, बी माइनस सी, सी देन आफ्टर ए. सी ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. ये बेनिफिट हुआ माइनस कॉमन करने से, नहीं तो एलसीएम में बहुत टफ हो जाता. ओके, तो नाउ ए माइनस बी और सी माइनस ए कैंसिल, ए माइनस बी सी माइनस ए कैंसिल, क्या रह गया आपका बी माइनस सी. तो हेयर बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी कैंसिल एंड व्हाट वैल्यू, यस सी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए एंड बी माइनस ए कैंसिल, व्हाट वैल्यू ए माइनस बी. सो सी बी बी कैंसिल, ए ए कैंसिल, सी सी कैंसिल, विदाउट मल्टीप्लाई हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एक्स टू पावर माइनस जीरो अपॉन समथिंग कैंसिल जाएगा, क्या जाएगा माइनस जीरो देन जीरो, माइनस को अपॉन में ले जाएंगे तब भी वो प्लस हो जाएगा, एक्स टू पावर जीरो तो जीरो हो जाएगा. इट मीन्स द वेरिएबल पावर इज जीरो इज वन एंड दिस इज हैंस प्रूव, नोट डाउन. ओके क्लास, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. सी 17, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/27 देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1. ये प्रूव करना है आपको. ओके, सो नाउ इक्वल में थिंग्स है, अब इसे इक्वल नहीं हटा देना, ये पूरी गिवन है. तो सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग का सब देखो, इतना कैलकुलेशन बिग लग रहा है, देख के डर लग रही होगी. तो सबसे इजी मेथड है कि सबसे लोएस्ट पावर में कन्वर्ट करिए, आराम से सॉल्व हो जाता है. ओके, सी 9 को क्या कर सकते हैं, यस 3 स्क्वायर होल पावर n इंटू 3 स्क्वायर. क्लियर? पावर्स के ऊपर पावर्स है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 3 पावर n. क्लियर? माइनस 27 लोएस्ट पावर, 3 टू दी पावर 3, 3 या 9, 9 3 या 27 अपॉन 3 टू दी पावर 3m. 3m को सी, वहाँ पर m आ रहा है, तो क्या हम 3 की पावर 3m को चेंज कर सकते हैं, बाद में देख लेंगे, नहीं होगा तो देखते हैं, रहने दीजिए ऐसे. 2 टू दी पावर 3 मीन्स 2 टू दी पावर 3 रहने देते हैं एंड 1/27 मीन्स 3 टू दी पावर 3. एनी क्वेरी? सी पावर्स को पावर्स मल्टीप्लाई, 2n 3 स्क्वायर सेम बेस, यस और नो? सी 2n 3 स्क्वायर 2 प्लस n सेम बेस पावर एड 2 प्लस n. क्लियर? नेक्स्ट इज माइनस 3 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, ये बाद में बेनिफिट देगा आपको. 3 स्क्वायर एज इट इज 9 लिख देते हैं हमसे और n वाली पावर को एक साथ लिख देते हैं 3 पावर 3n अपॉन दिस इज 3 टू दी पावर 3m. 2 टू पावर 3 मीन्स 8, 1 अपॉन 3 क्यूब. ओके, नाउ सी तो प्रूव दैट को यहाँ से थोड़ा सा लाइन ड्रा कर देते हैं. सी 2n एंड 3n सेम बेस, सो एक्सपोनेंट n, तो 2n प्लस n इज
3n. कोई कह रहा हुआ सर ये भी तो 3 है, इसको कर दीजिए, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि n वाले सब कॉमन हो जाएंगे. ओके दैट्स वाई 9 - 3n अपॉन 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3³. ओके सो नाउ सी व्हाट कॉमन. यस 3^3n कॉमन हियर 9 - 1/3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3³. 9 - 1 is 3 इंटू 8 अपॉन 3^3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3³. 8 कैंसिल, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बट हमारे प्रूफ में m माइनस n है तो अगर हम इसको ऊपर ले गए सी तो n माइनस m हो जाएगा, यस और नो. तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स 3^3m अपॉन 3^3n इक्वल टू, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3^3 अपॉन 1. क्लियर. नाउ डिवाइड केस है, सो पावर माइनस, यस और नो, समथिंग कॉमन 3^3 कॉमन सी, यस और नो. सो व्हाट वैल्यू हेयर m माइनस n, ओके इज इक्वल टू 3³. सो इसको सेपरेट किया तो 3³ × 3³ × 3^3 थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, ऐसे ही रह देते हैं. सी बेस सेम है तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं. तो दैट्स वाई 3^(m - n) इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट क्या है 3, तो 3 से 3 कैंसिल. तो दैट्स वाई प्रूफ इज m - n इक्वल टू 1. दिस इज अ प्रूफ, नोट डाउन. ओके क्लास, सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द योर होमवर्क. ओके एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर्स. सो नंबर सिस्टम फिनिश हो गया है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट कराएंगे. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.